अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया जी आपने आज इनवाइट किया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी गुलाम मुस्तफा साहब कि आपका मैंने एशिया फोरम ज्वाइन किया, आप सबसे बड़ा आपने टेक कॉन्फ्रेंस की एचआर की ह्यूमन रिसोर्सेज में, पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत भी है, मुझे बता सकते हैं कि आपको ये आइडिया कैसे आया, आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आप एसेंशली करते क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है? अच्छी, बेसिकली मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एचआर और बिजनेस मैनेजमेंट की कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैंने अपने करियर का जो स्टार्ट है वो नेटसो टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर हाउस से किया, फिर आई मूव टू डेस्कन इंजीनियरिंग और उसके बाद मैंने कोका कोला में काम किया। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ कोक तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल जो आइडियाज़ हैं और जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं या जो फोरम्स हैं वो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हो रही कि जिसके ऊपर लोगों को इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर हम लोग गाइड कर सकें, स्पेशली जो बिज़नेस के लोग हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये एच आर लेजेंड्स फोरम एक इस्टेब्लिश किया। एच आर लेजेंड्स फोरम का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों का जो टैलेंट है उसको हाईलाइट करें। अभी जैसे ये यहाँ से आप लोग टैलेंट बन रहे हैं और जब टैलेंट बन जाता है उसके बाद टैलेंट को प्रमोट करना, टैलेंट को हाईलाइट करना एक सेकंड एलिमेंट है। इस एलिमेंट को देखते हुए हम लोगों ने एच आर लेजेंड्स फोरम को स्टार्ट किया कि जिस पे हम लोग जो टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनको लोग जानते नहीं हैं। आमतौर पे अब मुझे लोग फोरम पे बुलाते हैं, गेस्ट स्पीकिंग के लिए बुलाते हैं, आज से 5 साल पहले नहीं बुलाते थे। क्यों नहीं बुलाते थे? कि 5 साल पहले मैं टैलेंट था लेकिन पॉपुलर नहीं था। सही बात है, आप लोग मुझे बुलाते हैं क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। सही बात है, लोग मुझे जानते हैं, बिल्कुल, मेरे काम को, मेरे हर चीज़ को जानते हैं। तो उसके लिए आई हैड टू डू सर्टेन थिंग्स। तो मेरे फोरम का ये ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग हिडन टैलेंट हैं उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर उनको हम ला के उनका जो टैलेंट है उसको हम लोग लोगों को शो करें, लोगों को दिखाएँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, हम लोग कोई इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करें जो बिज़नेस वर्ल्ड में के विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को क्या चैलेंजेस हैं उसके ऊपर हम लोग ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में प्लान करें जो आज से पहले कभी ना हुई हो, एचआर रिलेटेड। चूँकि एचआर मेरी मेन फील्ड थी, एचआर एंड टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ। ज़बरदस्त। तो ये मेरा बेसिकली मेन जो है पर्पज़ था एचआर लेजेंड्स की फॉर्मेशन का। तो मुझे बता सकते हैं कि आपने ये जब फोरम स्टार्ट किया कितनी कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, उसमें मेनली आप लोग कौन से एरिया में फोकस करते होते हैं और क्यों फोकस करते हैं, क्या ज़रूरत क्या है इस फोकस करने की? अभी तक हम लोग जो है एचआर टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हम लोगों ने 5 समिट्स किए हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा हम लोगों का सेकेंड फोर्ट है ERP कॉन्फ्रेंस, ERP के भी हम लोग 4 कॉन्फ्रेंस। ERP को थोड़े आसान अल्फाज में समझाते हैं। ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सही हो गया। अगेन जो बिजनेस वर्ल्ड है उसकी ओवरऑल एंड टू एंड ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये ही जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस फाउंडेशन को अगर हमने ऑटोमेट करना हो, इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेट करना, हम तो लोगों को यू नो इंडिविजुअली एम्पावर कर रहे होते हैं, तो उस ऑटोमेशन के लिए एक जो इंडिविजुअल एक चीज़ है ये लोग वो सीखते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल कोई वीडियोग्राफी सीख रहा है, कोई जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है, कोई क्या सीख रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है करने का? देखिए, जो HR डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बड़ा मेजर रोल होता है। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अगर सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जब स्टार्ट होती है तो उसको उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या जो उसका ओनर होता है वो उसकी फॉर्मेशन करता है। अब शुरू में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, ना एडमिन की ज़रूरत होती है, ना HR की, ना मार्केटिंग की, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो खुद ही सब कुछ कर रहा होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, तो उसके अंदर फिर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसमें डिपार्टमेंट इंक्रीज़ होते हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ हर डिपार्टमेंट की जो एक नीड है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर 500
हज़ार, 2,000, 10,000, 20,000 एम्प्लॉइज़ काम करें। अब जब एक 10,000 एम्प्लॉइज़ काम करना शुरू कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए चीफ़ एग्जीक्यूटिव के लिए डिफ़िकल्ट है कि वो हर बंदा जो है उसकी जो नीड्स हैं, डेवलपमेंट नीड्स, उसकी सैलरी, उसकी ट्रेनिंग, उसके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उसको खुद से हैंडल करें। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिसका काम है एचआर डिपार्टमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की हायरिंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरीज, उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उन सब को रिजॉल्व करना। लेकिन देखना ये है कि क्या जो हम लोग वो काम कर रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, 1, 2। अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको कैसे लेकर आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग एजुकेशन लेने जाते हैं, अब लेट्स से हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने अगर ट्रेनिंग लेनी है तो आपको उस सारी ट्रेनिंग के लिए आपको लाखों रुपये लग जाएंगे, आपको महीनों लग जाएंगे आप उन सब कुछ सीखने के लिए। सो कॉन्फ्रेंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आप उसको स्क्वीज़ कर देते हैं। सही। वो जो जर्नी है महीनों का, लाखों का, वो आप स्क्वीज़ कर देते हैं। आप उसके ऊपर जो इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स हैं 20-30, उनको आप इनवाइट करते हैं और उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बजाय इसके कि आप एक पूरा घंटा, 2 घंटे आप स्पीच करते रहें, आप 15 मिनट के अंदर टू द पॉइंट एक क्रिस्प जो है ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसको डिस्कस करें, या 5 मिनट्स में जो आप दरिया को कह लें कि कूजे में बंद करें। सो इन अ नट शेल आप बहुत एक शॉर्ट और ब्रीफ अंदाज में एक्सप्लेन करें कि जो भी आप जो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक कॉन्फ्रेंस जो है उसको हम लोग लेटेस्ट और इनोवेटिव ट्रेंड्स के ऊपर लेकर आएँ, नंबर 1। नंबर 2 जो है जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो चैलेंजेस हैं उनको हम लोग डिस्कस करें, और नंबर 3 जो है हम लोग टैलेंट को प्रमोट करें। सही। तो मतलब के विद इन जैसे आप लोग भी टैलेंट को प्रमोट करें, लेकिन आप लोग उन लोगों के टैलेंट को प्रमोट करें जो अभी बिगिनर्स हैं। बिल्कुल। जो बिल्कुल बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, आप लोग उनकी डायरेक्शन सेट करें। अब जब आपकी डायरेक्शन सेट हो जाती है तो उसको फिर फर्दर आगे लेके जाना है, ये एचआर लेजेंड्स और हमारी जो कॉन्फ्रेंसिस है उसके ऊपर था। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं पाकिस्तान में ऐसी कॉन्फ्रेंसिस करवाऊँ जो पहले नहीं हुई। सही। यानी कि मैं किसी के साथ, अब लेट्स एक रिहान अल्लाह वाला एक काम कर रहा है, बिल्कुल, मैं भी वही करना शुरू कर दूँ। सही। आप भी वो करना शुरू कर दें, सारे 10 लोग सारे ये काम करना शुरू कर दें, क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब उस कंपटीशन में ठीक है हम सारे रोल प्ले कर रहे होंगे, लेकिन इनोवेशन कहाँ पर आएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनोवेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उस पर्पज़ के लिए जो है जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग एचआर लेजेंड से ऐसी कॉन्फ्रेंसिस करें जो आज से पहले पाकिस्तान में ना हुई। सही। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्सेसफुल हुए। अच्छा, हम ज़्यादातर एचआर की बात करें, अगर आप आसान अल्फाजों में रखें तो एचआर होता क्या है। एचआर मैंने जैसे आपको पहले बताया, एचआर है ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं, लेट्स से ये रेहान अल्लाह वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंडेशन है, ये आपका स्टार्टअप ग्राइंड है, ये जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट। मैंने 4 बातें की, लैंड ज़मीन हो गई, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का ये रूल है, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपने कभी कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनानी, कोई भी इदारा बनाना है तो उसके लिए 4 चीज़ें चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने बिज़नेस करना है, तो मुझे बिज़नेस करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा और मैनेजमेंट। कि मेरे पास पैसा हो लेकिन सिर्फ पैसे से मेरा काम नहीं चल सकता, सो मुझे लैंड चाहिए जहाँ पर, जैसे ये एक लैंड है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग बैठकर सारे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लेबर चाहिए जो मेरे सारे काम मैं खुद नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपकी सारे काम तो आप सारे लोग खुद नहीं करें, कोई चाय ला रहा है, ठीक है, कोई बाहर एंट्री पे देख रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है,
और उसके बाद है मैनेजमेंट, अब इनको सबको मैनेज भी करना है। सो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मैनेजमेंट और लेबर। सही। अब लेबर आपको चाहिए, कौन सी चाहिए? किसी को भी हम लोग रख लें। अब अगर हमने कैमरा ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हम ये किचन वाले बंदे को ला सकते हैं? नहीं, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कि कैमरे को जानता हो, कैमरे को ऑपरेट कर सकता हो। बाहर हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड हमें कौन सा चाहिए? जिसको वेपन यूज़ करना आता हो, उसके पास वेपन का लाइसेंस हो। तो एचआर डिपार्टमेंट जो है ये वो डिपार्टमेंट होता है जो ये सारे काम करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेबर कौन सी चाहिए। अब लेबर चूँकि थोड़ा सा कह लें कि जब लेबर का लफ्ज़ करते हैं, हम सब लेबर ही हैं, लेकिन एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं लगता, तो उसको हम ज़रा खूबसूरती में क्या कह देते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़बरदस्त। ठीक, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चार रिसोर्सेज चाहिए, लैंड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, और मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज कह लेंगे इस दी लेबर। मैंने थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको, फिर मैं आहिस्ता से उसको आगे लेकर आया। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज ये फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर कैसे करना है, लोगों को ट्रेन कैसे करना है, लोगों के जॉब के ऊपर क्या क्या इश्यूज हैं, आपस में लोग जब आते हैं आपस में काम करते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी पैदा होते हैं कि सर उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मुझे सैलरी नहीं मिली, मुझे सैलरी कम मिली है, मैंने छुट्टी पे जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब ने, इन सारी चीज़ों को उसने फिर रेगुलेट करना होता है। सही। तो ये एचआर डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। मुझे आप ये बता सकते हैं कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट का रोल बड़ा मुख्तसर सा होता है। हमारे पास ट्रेडिशनल एचआर का रोल भी सिर्फ बंदों को लाने का था और ये एडमिन की एडमिनिस्ट्रेशन का था। आप क्या देखते हैं कि फ्यूचर क्या है एचआर का, लोग क्या जा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है और पुराने से हम कैसे डिफरेंस रखते हैं? अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एचआर का रोल जो है ना वो लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको लिमिटेड कर दें, लिमिटेड कर दें, हमारे ऊपर है। आपकी मर्ज़ी है कि आप एचआर को एक्चुअली रोल प्ले करने दें। एचआर जो है तो है वो बैकबोन होता है। बिल्कुल। अब मैं वही बात करता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास लैंड है और आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है, जो कि उसको रन कर सकें, तो आपका बिज़नेस चल सकता है? नहीं चल सकता। अच्छा, आपने लोग हायर कर लिए, अब लोग छोड़कर जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन, अब लोगों को लेकर आए, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? चल ही पाएगी। आपने उसको रोकना कैसे है, रिटेन कैसे करना, रिटेंशन एक अदर चैलेंज है। अब रिटेंशन कब होती है, उसकी फिलॉसफीज होती हैं, उसकी पूरी लॉजिक होती है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये सारे काम खुद करना शुरू कर देगा तो मुझे बताएं ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने का तरीकाकार है उसमें फिर एचआर का रोल बढ़ता जाता है। सही। पहले हायर किया जी, फिर ट्रेन किया, सही, फिर उनके इश्यूज रिजॉल्व किए, उनको रिटेन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड्स को अप्लाई किया, उन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद आपने उसको जो है एचआर का रोल बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर उसको डिजिटलाइज करना है। अब एचआर की एक्टिविटीज़ हैं, एचआर के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे मैनुअल काम कर रहे हैं। जब सारे लोग एट द एंड ऑफ द डे डेटा इकट्ठा करते हैं तो डेटा होते ही नहीं उनके पास। सही। रात को उनसे पूछते हैं जी आज कितने लोगों की सैलरी, वो कहते हैं जी अच्छा मैं रजिस्टर से चेक। सो इसको डिजिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको एचआर की ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लोगों का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, एक मैं वैसे ही सवाल करता हूँ कि अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि जी आपके ख्याल में आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, आप अभी मेरे साथ हैं, आपने यूनिलीवर ठीका का नाम लिया, आपने नेस्ले का नाम लिया, बिल्कुल, मुझे बताएं आपने स्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम क्यों नहीं लिया? ठीक है, आपने नहीं, मैंने स्माइल इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, ठीक है, मैं आई एस आप को जानती थी। ठीक, मतलब कोई लोकल, और आपने यूनाइटेड किंगडम का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने नहीं लिया। ठीक है, आपने ये ABC XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों नहीं लिया? बिल्कुल बिल्कुल। यू फील प्राइड इन नेमिंग दोज ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल, सही बात है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं जब किसी से पूछता हूँ कि जी आपकी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है तो ये बोलेंगे एंग्रो हो गया, यूनिलीवर हो गया। ठीक है, क्यों? बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबली, उनका नाम है।
कभी वहाँ पर लोग गए नहीं होते, लेकिन पता होता है उनका नाम, लेकिन ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन उनकी यही होती है कि टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, ये टॉप लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती हैं? आप बताएं। रेपुटेशन। सही। ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो बहुत मैटर करती है। सही। इन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिप्यूट है वो बहुत ज़्यादा है। अब रिप्यूट कैसे बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी इंडिविजुअल की रिप्यूट कैसे बनती है? आपके ताल्लुक से या आपके एम्प्लॉई से? बिहेवियर से। अच्छा, आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके लोगों का मेरे साथ बिहेवियर कैसा है? सही, उससे आपकी रेपो बनती है। उससे मेरी नहीं, नहीं हमारी रेपो बनती है। एग्जैक्टली। सही। सो आप मेरे से मिली हैं, आपका मेरे साथ बिहेवियर कैसा होगा? सही। या मेरे से लोग मिलते हैं दिन में 10 मिलते हैं, मेरा उनके साथ बिहेवियर कैसा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बात करता हूँ कि एक मैं समझाने के लिए बात करता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, एक कोरियर वाला आया है, गर्मी का मौसम है, बाहर आपने गार्ड खड़ा किया हुआ, गार्ड ने उसके साथ बदतमीजी से बात की है, पीछे हो जाओ, किधर से आए हो तुम? वो कहता है जी मैं ये कोरियर दे रहे हैं, किस कंपनी से आए हो? वो कहता है जी मैं एक्स वाई जी कंपनी से आया हूँ। अब उसको क्या लग रही है, सख्त गर्मी है और सारा दिन से वो बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब गार्ड जो है वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, चले गार्ड को छोड़ें, आप रिसेप्शन पर आते हैं, रिसेप्शन पे खातून बैठी हुई है या जो भी बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, कोई मर्द बैठा हुआ है, खातून बैठी हुई है, उसने उसको कहा जी हाँ जी, अच्छा सब्र करो मैं अभी तुमसे लेती हूँ, अब उसने आगे भी जाना है, अगर वो उसको यही कह के यार तुम गर्मी में पानी पीना है अपने, ठंडा कूलर लगा हुआ, गार्ड के पास भी कूलर पड़ा होता है ना, पंखा भी लगा होता है, गार्ड की जॉब उसकी नस्बत थोड़ी सी आसान है, हालांकि उसकी जॉब भी बहुत मुश्किल है, यार पानी पीना है आपने, आपको गर्मी तो नहीं लग रही? ठीक है बैठ जाओ एक मिनट सांस ले लो, सारा दिन से तुम काम करके आ रहे हो, इस बिहेवियर में और जो प्रीवियस बिहेवियर था उसमें कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अब जो पहला बिहेवियर था उसमें वो डार्क डिलीवर करेगा, उसके बाद वो क्या कहेगा, बाहर जाकर 10 लोगों से मिलेगा, वो क्या कहेगा ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? बहुत ख़राब है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, यार लोग अच्छे नहीं है। अब नाम किसका ख़राब हो रहा होगा? कंपनी का। गार्ड का नाम किसी जगह पर भी नहीं है। सेम गोज विद ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसे है? अब उस बिहेवियर के ऊपर आप रिप्यूट बन रही हो। अब हम लोगों को इसकी साइकी पता ही नहीं है, लेकिन मसला ये है कि बिहेवियर कैसे बनता है, इसकी भी एक साइंस है। सही। ठीक है, अब बिहेवियर जो होता है वो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं उस वहाँ से बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर। अब जिस इदारे का, जिस मोहल्ले का, जिस सोसाइटी का जो कल्चर होगा, क्योंकि कल्चर को मेकिंग करने के लिए 5-6 चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे 10-15 चीज़ें होती हैं जो कि सॉरी 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमारा कल्चर बना रही होती है, तो ये जो ये सारी एक साइंस होती है। मिसाल के तौर पे कल्चर को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। कल्चर होता है कि हाउ डू पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब कल्चर जो है, कल्चर हमारी जो मेकिंग है उसके अंदर हमारा घर का कल्चर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हमारी सोसाइटी का कल्चर, हमारे रिलेटिव्स का कल्चर, ये सारे कल्चर जो है ना वो कैसे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेनली बिल्ड कैसे किया जाता है, ये तो वैल्यूज़ जी, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं आया आपने मेरे से कहा कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल मीडिया पे प्रेजेंस इतनी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो देयर इज़ अ रीज़न, ना तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंस चाहता हूँ और ना मैं बहुत कम प्रेजेंस चाहता हूँ। हमारी फाउंडेशन जो है काम कर रही है, अब व्हाट वी सी इज दैट द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान वी यूजिंग इट एज द बिगेस्ट लायबिलिटी ऑल्सो, वी नॉट ट्रीटिंग इट एज एन एसेट, तो उसको हम किस तरह अपने सुपर पावर में कन्वर्ट करें कि हमारा जो लेबर है अनस्किल्ड लेबर है, स्किल करके व्हाट इज देन लेफ्ट, क्योंकि स्किल करने के लिए बहुत सारे कार्टून एग्जिस्ट करते हैं,
कहाँ पे आपको लगता है कि गैप रह गया है कि हम ये लेबर एक्सपोर्ट नहीं बट उसको कैपिटलाइज उसको हम सही तरह इस्तेमाल तो करें? अच्छा, जो भी जितने भी लोग जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना जो सब स्किल बेस पे काम कर रहे हैं, ये कोई भी उसके साथ में पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगेन ये सारी चीज़ें वो नहीं, एक मैं लेट मी ऐड, ये वो चीज़ें फिक्स हो रही हैं जो दिख रही हैं, दिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं बैक पे जिसमें उनकी कम्युनिकेशन स्किल, अभी इसके बाद हम पिचिंग प्रैक्टिस है कि अपना आपको प्रेजेंट कैसे करो, अच्छा बात कैसे करो, फिर हम उसको क्लाइंट के साथ बिठा के पूछवाते हैं कि ओके व्हाट इज इट दैट यू फील के वी आर डूइंग लेस एंड नाउ वी वर्क ऑन फिक्सिंग दैट। हम लोग पूरी जर्नी हमारी 6 महीने की है जिसमें हम उसको एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ इंग्लिश बेसिक जानते हैं, स्मार्टफोन है उसके पास, उसको हम महीने के मिनिमम 1 लाख रुपये लेके जाते हैं। गुड, ये अगर आपने बाहर बिलबोर्ड देखा हो तो वहाँ भी इसमें भी लिखा कि आप मिनिमम 1 लाख रुपये। सो वी आर डूइंग दैट एंड हम करिकुलम बना रहे हैं, वी आर ओपनिंग अप एक सिस्टम बना रहे हैं कि इसको रेप्लिकेट किया जाए। एक्सीलेंट, बट हम एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा अभी तक 12 मिलियन लोग हमारे साथ लिंक्ड हैं तो उसमें से 1 लाख तो हमने काम कर रहे हैं जी, तो अब हम तो कर रहे हैं लेकिन अब 250 मिलियन लोग हैं। अच्छा, एक चैलेंज जो सबसे पहले चीज़ ये है ना कि हम लोग, मैं जो लोगों को समझाता हूँ कि मेरा ये होता है कि लोग मुझे हेल्प करें जनरली, हमारे लोग मेरा से बोलते हैं शायब होते हैं, वो कहते हैं हाथ पकड़ के ये कराएगा, मैं वही ना हेल्प। अब अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मेरे जो वालिद साहब थे जब मैं 6th क्लास में था वो बेड पे चले गए थे, बीमार हो गए थे, कारोबार में सीरियस लॉस आया, घर में सीरियस टेंशन शुरू हो गई। उस वक्त मुझे ऑफ़र किया गया कि तुम स्टडीज़ छोड़ दो और एक वर्कशॉप पे, मेरे बड़े भाई ने मुझे मशवरा दिया कि देखो मैं दुकान चला रहा हूँ, वो दुकान थी उनकी कपड़े की, जो गली मोहल्लों में दुकानें नहीं होती कपड़े की, जो नहीं जो अनस्टिच्ड कपड़ा जो बेचते हैं, क्लॉथ सेल, क्लॉथ शॉप। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैंने क्या हासिल किया कि तुम ऐसे करो कि ये कर लो, ये वर्कशॉप पे काम सीख लो और आजकल इसकी बड़ी डिमांड है और बड़ी ज़बरदस्त सी वर्कशॉप बनाएंगे और तुम क्या नाम है उसको। मैंने कहा जी नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैट्रिक तक अब्बू से मैंने बात की, अब्बू ने कहा कि आप पढ़ें बेटा, मैं मेरी तरफ से तुम्हें रुकावट नहीं। मैट्रिक के बाद अब्बू ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमने पढ़ना है, काम करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने कहा जी नहीं, मैंने पढ़ना है। उन्होंने कहा बेटा तुम अपने एक्सपेंस मैनेज कर लोगे। मैंने कहा मैं कर लूँगा। खैर, मैंने बहनों से बात की, भाई से बात की, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी इकट्ठी की, एकेडमीज ढूंढी, ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, इंटर किया, ठीक है, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया कंप्यूटर, सब ये इस सारे सफ़र में ट्यूशंस, होम टू। अब आजकल तो देखे ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, उस ज़माने में ये नहीं होता था, ये सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म्स, ये आसानियाँ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, ये जो बिल होते हैं ना, बिल बोर्ड, ये जो लीफलेट्स होते हैं, मैंने ये भी वाला काम किया है, लीफलेटिंग की हुई है घरों में, लोगों में, गाड़ियों पर लीफलेटिंग लगाना, ये वाले काम किए। अब तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, स्लोली ग्रेजुअली आई मेड माई मनी, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स ने भी साथ दिया, मैंने जाके जब मैं मास्टर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंसेज में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये सारे काम करता हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे 70% फीस वेव कर दी, 30% फीस पे मैं पढ़ा हूँ। उनका बड़ा रोल है आज मेरी सक्सेस में, मैं आज भी जाकर उनसे मिलता हूँ और उनमें सलूट करता हूँ, वो मुझे करते हैं और लेकिन मैं उनको कर रहा था। सो प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि लोग हमें हेल्प करेंगे, हम माशरे को इल्ज़ाम देते हैं, हम ख़ुद को इल्ज़ाम नहीं देते। सर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा की कामयाबी के लिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़िम्मेदार है, मैंने अपने लिए रास्ता ख़ुद ढूंढना है। जब आप सड़क पे ड्राइविंग का असूल क्या होता है, असूल यह है कि सारे लोग आपको गाड़ी मारेंगे, आपने अपनी गाड़ी बचानी है, ख़ुद बचानी है, किसी ने नहीं आपकी गाड़ी बचानी है, यही कामयाबी का असूल है।
प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा ये सोच रहा है कि जी मुझे एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। गोरे की क्या सोच है? गोरा एफर्ट करता ही नहीं है। गोरा क्या कहता है? कहता है यार मैंने, आप चाहें ज़रा इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है। वो उनमें से एक छोटे थोड़े से लोग हैं जिसको वो, लेकिन वो मार्केटिंग बहुत करते हैं, हाईलाइट बहुत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों की हेल्प चाहते हैं। हमारा एक मोमिन में और एक काफर में फ़र्क क्या है? यकीन का और दीन का। मैंने आज तक कितने लोगों से सवाल पूछा, ये पहली औरत है, ये पहला बंदा है, बंदी है जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया, यकीन का फ़र्क। इंसान जो है ना, मोमिन जो है, वो सारी एफर्ट करके किसके हवाले करता है? उसको अल्लाह पर यकीन है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। लेकिन काफर को यकीन नहीं है, उसको हर चीज़ उसने किसके साथ जोड़ी हुई है? एफर्ट के साथ। अब हमें यकीन नहीं है कि हम कामयाब होंगे। हमने सोच, काफर ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि यकीन निकाल दिया है, अल्लाह पर यकीन। हमें यकीन ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि साथ के हम लोग ना एफर्ट नहीं करना चाहते, और एफर्ट के लिए हम चाहते हैं लोग हमें हेल्प करें। लोगों ने नहीं हेल्प करनी, लोग उस वक्त हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि लोग हेल्प करते भी हैं जब आप उनके पास जाकर हेल्प की दरख्वास्त तो करें ना। अब मैंने खुद इधर कैसे आ जाता अगर आप लोग मुझे ना बुलाते? मुझे इस जगह का नहीं पता था। तो अप्रोच तो करें ना। तो ये चीज़ है कि अवेयरनेस लोग नहीं लेना चाहते। अवेयरनेस अगर है तो लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते। अब आप मुझे बताएं, 2022 में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड क्या था? आप लोग तो हैर इस फील्ड के हैं ना, टॉप ट्रेंड क्या था? टॉप ट्रेंड क्या था? ट्रेंड। सबसे ज़्यादा चीज़ पाकिस्तान में सोशल मीडिया में क्या सर्च की जा रही थी? पॉर्न मूवीज। सेकंड सबसे ज़्यादा चीज़ पाकिस्तान में क्या सर्च की जा रही थी? आमिर लियाकत की बीवी। थर्ड सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सर्च की जा रही थी? टिकटॉक वीडियोस। अच्छा, ईरान में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सर्च की जा रही थी? रिसर्च आर्टिकल्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ सर्च क्या जा रही थी? रिसर्च आर्टिकल्स। कितने परसेंट लोग हैं पाकिस्तान में जो रिसर्च आर्टिकल? आप सब इधर, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताएं हम कितने रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ते। पढ़ते अगर होंगे तो 1% लोग पढ़ते होंगे। और वहाँ पर देखिए जो नेशंस हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या सर्च जा रही थी? रिसर्च आर्टिकल्स। टॉप 10 कंट्रीज जो रिसर्च आर्टिकल्स में टॉप 10 आई, उसमें 2 मुस्लिम कंट्रीज थी, एक ईरान एंड सेकंड मुझे नाम मेरे एजेंट से स्किप हो गया, कौन सा, आई थिंक जॉर्डन था या कौन सा मुल्क था, आई फॉरगॉट। और इंडिया सेकंड नंबर पर था। आज इंडिया को देखें वो किधर है। सो हमें रिसर्च की आदत नहीं है, हम चाहते हैं क्विक। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया था, लेकिन माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू दे आर, ये जो अवेकनेस सेशन है ना, देखा जाए तो मेरे अबू का, मैं कह रहे थे वो जो ये गैंग है जिसमें उनके साथ मिल के सारे टीम काम कर रहे हैं, शाम सर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब हमें मासेस के साथ काम कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट वाला लेवल है जिसमें आपके पास जो बंदा आता है वो फ्रीलांसर से कभी नहीं हो जाता। हमारा देखें एक चीज़ ये है फ्रीलांसर्स वाला एरिया, हमारा है जॉबर्स वाला एरिया। हम लोग क्या है, अब देखिए अब फ्रीलांसर से क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे कंपनीज अलग बन रही है, सो वी हैव अ पैरेलल पूल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज नाउ जो वांटिंग और नॉट वांटिंग, अब ये जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कॉम्पिटिशन अगले 2-3 साल में लेंगे ऐसे ही। और क्योंकि ग्राउंड अप नए बिजनेसेस बनने ज़रूरी हैं वो वाले। मेरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग 150 मिलियन स्मार्टफोन है पास, एंड ऑफ कोर्स जब उनके हाथ में पहले फ़ोन आता है तो सबसे पहली चीज़ हर बंदा होता है वो अब्यूज़ करता है। छुरी मिलती है हर बंदे को तो उसको देखता है कितनी तेज़ है, नहीं है, खेलता है ना, बच्चा होता है तो खेलता है। अभी वो बच्चे हैं
उनको पता ही नहीं कि कर क्या सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो गूगल से पूछ सकते हैं कि मैं कमा सकता हूँ नहीं कमा सकता, मैं लाखों में कमाऊँ कैसे। तो एक वो अवेयरनेस वाला है, लेकिन राइट के अभी आपने अपनी कहानी जो बताई कि आपका भी खुद आपको पढ़ी तो आपने कहा बहुत सारे लोग लारे की अगर मैं एग्जाम्पल अगर दे सकता हूँ लारे एजुकेशन ऐसी चीज मजबूरी थी तो उसने कमाने शुरू किया, मगर जब एक बार बंदा लग जाता अभी भी बहुत सारे लोग थे चले गए, मैं पब्लिकली बोलूँगा क्यों सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मुझे पता है कि जब उनको ज़रूरत पता चलेगी ना तो खुद वो भाग पाते हैं। नहीं देखें वो उनका जाना जेन्युइन है, उसकी वजह यह है कि ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है एचआर, तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसके ऊपर कोई राय भी नहीं बिल्ड करता, हाँ ये 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 नेचुरल सी एक चीज़ है पाकिस्तान में। जो दूसरी चीज़ आप इंडिया में जाएं आप ये देखें कि उनके जो ऐसे सेशन हैं उसमें आप देखेंगे हज़ारों लोग बैठे होंगे, हमारे इधर 100 को इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर इकट्ठा कर लें अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ, एक तो अवेयरनेस का क्या, देखिए अमरीका के अगर आप एग्जाम्पल दे रहा, मैं भी अगर अमरीका में होता ना मैं भी जहाँ जहाँ जितना मैं यहाँ काम कर रहा हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता, क्योंकि वो वजह पता है मेरे अब्बा अब्बा मेरे अम्मा अब्बा ने पैसे दे दिए मुझे रहने के लिए, उन्हें पैसे चाहिए और मुझे कुछ करना पड़ेगा, जब पढ़ती है तो बंदा करता है, वो इंसानी फितरत है, ये नहीं कि पाकिस्तान, बट पाकिस्तान में किस तरह इनकी ट्रिगर करें इस फितरत को ट्रिगर करने के लिए ना, पहली चीज़ यही वही वाली बात है कि कल्चर कल्चर हमारा कैसे बिल्ड हो रहा है। हमारे ना लोगों में एक सोच है, मैं कल भी मैं जितने भी सीनियर लोगों के साथ बैठता हूँ ना, करप्शन बे इंतहा घुस गई है, ठीक है। उसके लिए जो पहली चीज़ आप जो हम लोग हर इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं कि आप ना अपने अपने एरिया में लोगों, मैंने भी बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई किए हैं, अब जब मैं पढ़ा हूँ ना तो मुझे देखकर मेरे ख़ानदान में कुछ 200 लोग तो पढ़े हैं अल्लाह का शुक्र है, और आज कोई 50 फैमिलीज अपग्रेड हुई हैं। मैंने हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं होती थी, अब आप आज अल्लाह का शुक्र है अपनी मेहनत से जॉब ये सारे करके 2 गाड़ियाँ घर में खड़ी हुई हैं। मुझे देखकर मेरा छोटा भाई पढ़ा, मेरी बहन के बच्चे पढ़े, ठीक है, मेरे बड़े भाई के बच्चे पढ़े, उनके सबका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हुआ, उन्होंने सब ने चीज़ें चेंज की, ठीक है। यही एक चीज़ है, आप लोग रोल मॉडल बनेंगे, रोल मॉडल बन के लोगों को दिखाएं, ठीक है, लोग फिर ठीक होंगे। लोगों में ये जो चीज़ है ना, ये मोबाइल फ़ोन का जो नेगेटिव यूजेज है वो अभी तक बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और लोग अगेन वही चाहते हैं, लोगों को जो समझाना है ना कि भाई ये सफ़र जो कामयाबी का थोड़ा सा मुश्किल है और लंबा है, ये ओवरनाइट आप लोग 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते, ये लोगों को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। एक साल के बाद जी तो वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गारंटीज कि आप 1 साल के बाद 1 लाख की गारंटी कमा रहे हो। अब ये जाके ना ये बेसिकली कम्युनिटी वर्क कम है, बेसिकली जितनी भी जो एनजीओज हैं ना, ये एनजीओज का काम ये था, लेकिन एनजीओज ने ये काम नहीं किए। एनजीओज बहुत बड़े फैक्टर है हमारे लॉसेस का कि जो एनजीओज ने बहुत सारी आदतें खराब कर दी थी, वो बेसिकली वो अगेन मैं वही जो बात कर रहा था कि आप दिखा ये रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अब ये है, यही एनजीओ है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार वन चीज़ वन एलिमेंट जो कि हर जगह पर हर बंदे को रखना चाहिए वो ये है कि वो ही दिखाए जो वो है, ताकि हो इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे अंदर ये जो एलिमेंट है ना झूठ वाला जो हमारी रिप्यूट बन गई, ये ख़त्म तो होना यार। आज हम किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 3 बार सोचते हैं और कर लेते हैं, जब उसके बाद फिर टूट जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो यूथ बन रही है ना, इसके अंदर तो बिल्कुल भी इसके ऊपर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते यूथ पे। मैं आपसे 1 बजे का वादा किया है और मैं 1 बजे बाहर खड़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप किसी को बुला कर देख लें, सर मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आएगा ही नहीं, फ़ोन बंद हो जाएगा, ये चीज़ कैसे हम ठीक करें। क्योंकि अभी जो ये नई जो नई ये हमारी रिसोर्सेज निकल रही है मार्केट, चलो 5 लाख स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक कंपनी को अब मसला आता है रिटेंशन का। हमारी कंपनी में कोई 50 साल वाला बंदा काम करता है, मुझे कभी डर नहीं होगा कि जी वो छोड़ के चले जाएगा 10 साल के बाद, लेकिन मैं जो 20 साल वाला बंदा रखूँगा वो इतना बेचैन होगा हर चीज़ में, एंड उसको हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि भाई 2 साल के बाद।
कनात वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया ना, यकीन वाला एलिमेंट ख़त्म हो गया उसको, ये नहीं है यकीन के यार अल्लाह ताला के साथ। देखिए लोगों को अब जो रिटेंशन का जो चीज़ है ना वो कम होगी, अब ये आपने ये सोचना नहीं है। मैं अब ये समझाता हूँ कि ये देखिए कि ये बंदा वैल्यू कितनी ऐड कर रहा है। पहले होता था 6 महीने बंदा लगाएगा ट्रेन होने में, ठीक है, ट्रेन होके फिर वो काम करेगा, अब लोग जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ना ये तजर्बा ना करें कि लोगों को सिखाने का, ट्रेन लोग लेकर आए, ऑर्गेनाइजेशन चली ही इस चीज़ के ऊपर गई, चूँकि जो ट्रेनिंग लेते हैं ना पहले वो आता है रोता है जी मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है तो मैं जॉब कैसे हासिल करूँ। अब जब जॉब हासिल कर लेता है तो फिर क्या होता है, बेयकीनी वाली कैफियत हो जाती है। तो मुझे बताएं कि आप क्यों उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे? आपने स्कूल खोला हुआ है, बिल्कुल खोला हुआ है, आप सिखा देंगे उसको। मेरे साथ HR लेजेंड्स में क्या होता है, हमारा काम ऐसा है कि जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल की चाहिए, इंट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पे बड़े टॉप लेवल के लोगों के साथ है। तो जब कुछ 6 महीने साल काम करता है ना तो उसकी जो विजिबिलिटी है, नेटवर्किंग है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, हर चीज़ इधर से उठकर इधर आ जाती है, क्योंकि वो मेरे साथ। अब देखिए मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ। जो अब कितने लोग हैं जो इन कंपनी से छोड़कर आकर ये काम कर रहे हैं, एक एक नाम निकाल के दिखा दें मुझे। एक भी नहीं मिलेगा सर आपको पाकिस्तान में। नहीं 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 ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंसल्टेंसी नहीं, मैं फोरम की बात कर रहा हूँ जी। फोरम कंसल्टिंग तो सारे लोग कर रहे हैं, मैं फोरम की बात कर रहा हूँ। अब देखे ना ये फोरम है रेहान साहब ने, तो आई डोंट नो मैंने इनका कि नहीं पढ़ा, लेकिन किसी मल्टीनेशनल में पहले काम नहीं किया होगा, इन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्टअप से ही लिया होगा, ठीक है। ये हशाम है या सनी लियोन, मतलब उनकी बातों से पता चल जाता है ना जिस तरह से बात कर, ओए चीते ओए शहजादे ओए एनके, मतलब कि वो पता चल जाता है कि इन लोगों ने ना किस एनवायरनमेंट में काम किया होगा, वही वो देसी। लेकिन माशाल्लाह ये ज़रूरी नहीं है, बात है काम, ठीक है। तो एक्सीलेंट वर्क, प्रॉब्लम अगेन वही वाली चीज़ है कि हम जल्दी जल्दी में कोई चीज़ नहीं हो सकती। सर न्यू जनरेशन से कम्युनिकेट कैसे करें ताकि उनसे जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। सर अब तो जो न्यू जनरेशन है ना वो व्हाट्सएप पे खेलती है, अब तो लोगों ने काम कर रहे हैं ये बहुत टैलेंटेड भी, बट एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, ग्रुपिंग्स हो जाती है। आप लोग टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं? टाउन हॉल मीटिंग्स जी, मतलब जैसे अभी हम लोग मिल रहे हैं, आप एम्प्लॉइज़ का मंथली एक टाउन हॉल करें, उसमें आप उनके इश्यूज आइडेंटिफाई करें, उनसे कहें जी अपने इश्यूज बनाएं, एक टाउन हॉल कमेटी बना दें कि जो उनके उन्हीं के अंदर से 3 लोग आइडेंटिफाई कर लें, जो जिनकी कम्युनिकेशन या जो PR थोड़ी सी ज़रा बेहतर हो, वो डॉक्यूमेंट करें उनके इश्यूज़, ठीक है। कि जी वो पहले दिन आपके पास ना कोई 200 इश्यूज़ की लिस्ट बन जाएगी, जो कि बेसिकली 200 इश्यूज़ नहीं होंगे, जब आप उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे वो 15 से 20 इश्यूज़ होंगे। अगली टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, मंथली करें इसको शुरू में, जब चीज़ें फिक्स होना शुरू हो जाएं फिर उसको क्वार्टरली कर दें, ठीक है। तो ये इस वे ऑफ कम्युनिकेशन, जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाउन हॉल करती हैं, वो मैनेजमेंट बैठती है सामने सामने, एम्प्लॉइज आते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के साथ एड्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट उनसे ओपनली पूछती जी अपने इश्यूज़ बताएं, उन इश्यूज़ को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। अगली मीटिंग में उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर करें कि जी लास्ट मीटिंग ये हुई थी, ये हमारे इश्यूज़ थे, ये आप लोगों ने बताए थे, इसमें से ये फिक्स हो गए हैं, ये रह गए हैं, ठीक है, ये रह क्यों गए हैं, ये इसका फाइनेंशियल इशू है, बिज़नेस इशू है, लोगों का एटीट्यूड है क्या है, ठीक है। हमने टाउन हॉल मीटिंग्स की, उसमें लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी वॉशरूम ख़राब है, अब वॉशरूम क्यों ख़राब है, वॉशरूम में टिशू पेपर नहीं लगा हुआ, ठीक है, चाय वाला चाय नहीं देता, तो उन सबसे कहा यार चाय की इतनी कॉस्ट है, हम दिन में 2 दफ़ा चाय दे सकते हैं, आप लोग सब बताएं, एग्रीड हैं, सब ने कहा जी एग्रीड है, बिजनेस सिचुएशन बताएं उनको। होता ये है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती उनके साथ, कम्युनिकेशन आप कहते हैं एम्प्लॉई नहीं करता, एम्प्लॉई कहता है मैनेजमेंट हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करती, बिजनेस के गोल्स उनको नहीं पता होते, बिजनेस के चैलेंजेस उनको नहीं पता होते। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन दोनों तरफ से गैप होता है, ये करनी पड़ेगी आपको।
जब भी हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मिनट मिलजुल ना हो रहा हर एक टेंशन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग मिलके खाना खाए साथ में और बात करें और उससे नहीं एक सेशन करें आप महीने में उसको हम टाउन हॉल मीटिंग करें। इट्स वेरी इंगेजिंग क्योंकि लोगों का एक कल्चर का हमारा पार्ट भी है और हम लोग ये करते हैं चाय पे हो या नहारी मंगा के सबके साथ बैठते हैं सबके साथ सिर्फ इंट्रोस्ट करते हैं क्योंकि हर 2 से 3 महीने में हमारे हर कंपनी का होता है कि कितने सारे एडिशन हो जाते हैं स्टाफ में कि लोगों को एक दूसरे बारे पता ही नहीं होता एट कोर होते क्या है फैमिलीज कैसे हैं क्या है। तो आप कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एंगेजमेंट सेशन बना लिया कि लेट से आपने 5 मिनट इंगेजमेंट एक्टिविटी की इंट्रोडक्शन कर लिया फिर इश्यूज़ डिस्कस कर लिए फिर प्रीवियस जो इश्यूज़ आपने लिए थे उनकी स्टेटस अपडेट कर दिया कि यार ये पिछली दफ़ा हमारे ये इश्यूज़ थे। आप ये देखिएगा आपकी चीज़ें कितनी इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी लोगों के एटीट्यूड में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा लोगों को ऑनरशिप मिलेगी यार यहाँ पर सुनते हैं लोग ना इस वक्त पैसों की वजह से काम छोड़ कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर की वजह से ज़्यादा लोग छोड़ कर जाते हैं। पीपल वॉन्ट्स टू बी हर्ड स्पेशली ये जो नई लोग हैं ना ये चाहते हैं इनको सुना जाए क्योंकि ये हर वक्त फ़ोनों पर इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि इनके दिमागों इनको ना सोशल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं इनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होना शुरू हो गए। आप ये देखें एक लफ्ज़ है एम्पैथी आज से 10 साल पहले कोई डिस्कस होता था आज क्यों डिस्कस होता है क्योंकि हम सब ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हम कॉल्स नहीं करते हम मैसेज करते हैं अब मैसेज पे जो है कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही। खैर हम अपने टॉपिक से मल्टीपल टॉपिक्स में चलेंगे। अच्छा सो हमें मोस्टली जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था ह्यूमन रिसोर्सेज का कि कैसे एक बैकबोन होती है कैसे लोगों का होना लोगों का कनेक्शन बनाना अपनी लीडरशिप से बातचीत करना ट्रेनिंग डेवलपमेंट हमने सारा कवर कर लिया। मुझे ये पर्सपेक्टिव बताएं हमने ये सारा काम कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अब टेक्नोलॉजी को और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं कि आगे हम बढ़ सकें ऐसा हम क्या मिस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच में। ये मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में गई इट वाज अमेजिंग मैं बाहर आई जो एग्जीबिशन लगा हुआ था मैं सब स्टॉल पे जाके मैंने एक सवाल किया मैंने कहा आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो मैं आपके पास आऊँगी बराबर वाले के पास नहीं जाऊँगी आप सभी सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं सॉफ्टवेयर तो बहुत मिल जाएंगे आपसे बेहतर बाहर मिल जाएंगे ऐसा क्या कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में कौन सा गैप है कि सॉफ्टवेयर से नहीं लोगों के अंदर आ जाए कि वो ये तो ऐसे हो जाता है। देखिए पहली चीज़ ये है कि आप टेक्नोलॉजी कब यूज़ करेंगे जब आपको उसकी नीड का पता होगा बिल्कुल या कोई आपको उसकी नीड का बताएगा जी ठीक है तो तभी है ना बिल्कुल कि आपकी टेक्नोलॉजी आपके कौन से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी का लिंक है प्रॉब्लम के साथ। अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिजॉल्व नहीं हो रही तो आपको उस टेक्नोलॉजी को आप क्यों अडॉप्ट करेंगे। आपने ये लोगों को सबसे पहले ये समझाना है या लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी या ये जो टूल मैं यूज़ करूँगा इससे मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो उससे पहले आपको फिर क्या होना चाहिए प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए बताएं कि आपने ये मोबाइल फ़ोन बनाया है तो इसका मकसद क्या था कि कम्युनिकेशन का लोगों को प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन को रिजॉल्व किया। ऊबर यकदम कैसे पॉपुलर हुआ था क्योंकि सस्ता ट्रांसपोर्टेशन था गाड़ी आसानी से मिल रही थी कन्वीनियंस दी ना उन्होंने कि आप गाड़ी वाले को पहले फ़ोन करके बुलाते थे दूसरी ये बात है कि गाड़ी वाला किधर है कहाँ पर है क्या नहीं आपको कुछ पता नहीं होता था। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको हर गाड़ी वाला अपना एक नया रेट दे रहा होता था ठीक है कोई 2000 मांग रहा है कोई 15 चूना लगा रहा है ना जिसको कहते हैं ठीक है। तो ऊबर ने कहा जी कि हम आपसे पर किलोमीटर लेट से 20 रुपीज़ लेंगे ठीक है आपका जैसे जैसे आपके किलोमीटर बढ़ते जाएंगे आपका फेयर बढ़ता जाएगा आपको कन्वीनियंस है गाड़ी आपके घर पर आएगी आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल पर। उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन उसने टोटल जो आपका एक्सपीरियंस था उसको ट्रांसफॉर्म कर एक्सपीरियंस को बदल दिया ठीक है। अब लोगों को सेकंड इशू क्या आना शुरू हो गया कि यार हम लोग सोच के जाते हैं 300 रुपया लेकिन उधर जाकर बन जाता है 500 रुपया ये तो बड़ी ज़्यादती है ये तो ऊबर के अंदर लोगों ने 2 नंबर ही लगाई हुई है। इन ड्राइव ने क्या कहा कि जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं मैं जो कहूँगा वही लूँगा आप बिड करो। उसने ऊबर को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप ये देखें कि कभी किसी को पता था कि ऊबर भी ख़त्म हो जाएगी ऊबर ख़त्म हो गई। उसने कहा जी मैं आपसे 500 रुपये कह रहा हूँ मैं 500 रुपये ले रहा हूँ चाहे बीच में जैम है रश है जो मर्ज़ी है आई विल चार्ज यू
तो ये उसने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड की कि लोगों का प्रॉब्लम यार ये है कि इन्होंने टेक यानी कि बहुत सारा जो सफ़र ऊबर ने तय किया था उसने उसको यूज़ किया, लेकिन जो ऊबर नहीं दे रहा था उसने वो दे दिया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ पीपल द प्रॉब्लम देन यू ऑफर अ टेक्नोलॉजी. अब अगर आप प्रॉब्लम के साथ टेक्नोलॉजी को लिंक करेंगे तो जाके रिजॉल्व होगी. अब हमने जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको talentbeep.com शायद आपने नाम सुना था या नहीं सुना था, जिसके लिए मैं आप लोगों से सेशन भी करूँगा, आपसे हेल्प भी चाहूँगा. अब पाकिस्तान में सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, लेकिन लिंक्डइन का जो प्रीमियम अकाउंट है वो कितने का है? पर मंथ. ठीक है, अब अगर यही जो है अगर हम $6 पर मंथ में एक चीज़ ले हैं, डू यू थिंक ये वो ठीक हो सकती है? काफ़ी. नंबर वन. नंबर टू ये है कि क्या पाकिस्तान का कोई अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए? किस नाम से बनाया था आपने? हाँ, पहली चीज़ ये है कि ये लफ्ज़ नहीं आना चाहिए. ये उस वक्त थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि गाली होती है. बट इज मोर थिंग्स टू इट जिस के कोई भी नया प्लेटफॉर्म लाते हुए बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक लोकली टेलो के नाम से आया. टेलो था, वो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म था, बट इट वॉज मोर लाइक वीचैट. इट हैड इंगेजमेंट, इट हैड ऑल ऑफ. फिर एक ट्विटर की कॉपी भी आई थी पिंक के नाम, वो भी नहीं चला. इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव एंड बहुत लग के करना, बहुत ईजी नहीं है ऐसा कोई नया प्लेटफॉर्म. अभी भी एक और लॉन्च हुआ है, आई फॉरगॉट द नेम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि आप आदत चेंज करने की बात करते हैं, लोग मैसेंजर से हट के व्हाट्सएप चला रहे हैं. मैसेंजर कौन इस्तेमाल करते हैं? बहुत रेयर होता है. क्योंकि मैसेंजर जब आया था कितने लोग इस्तेमाल करते थे? व्हाट्सएप पहले को इस्तेमाल, क्योंकि फेसबुक से कनेक्टेड था. फेसबुक से हट के मैसेंजर हो गया तो कहीं छोड़ो. तो सिमिलरली बहुत सारे सब उसमें होते हैं कि आप इंस्टेंट लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म, यू फाइंड सम मिडिल वे. अब ये देखेंगे कि आपके सवाल का एक उन्होंने जवाब दे दिया कि हैबिट चेंज करनी है. अब टेक्नोलॉजी आप एक से दूसरी पे जा रहे हैं तो आपने लोगों का बेसिकली हैबिट को मूव करना है. चलिए मैं स्पेसिफिक पूछती हूँ आपसे. अभी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हम अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, स्टार्टअप वर्ल्ड में आते हैं, तो हमारे क्या पेन पॉइंट हैं जिनको वो पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके आपके लिहाज से हम उससे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं? स्टार्टअप का जो सबसे पहला चैलेंज होता है ना वो एम्प्लॉय रिटेंशन चैलेंज होता है. सही है. ठीक है. दूसरा जो उनको चैलेंज होता है वो एम्प्लॉय अट्रैक्शन भी होता है, कि उनको लोग मिल ही नहीं रहे होते. ठीक है, लोग मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव. ठीक है, उनके चार्जेस वो. तो स्टार्टअप को पहला जो चैलेंज मिलना पड़ेगा, जो उनको हैंडल करना पड़ेगा, वो ये होगा कि उनके पास हैवी बजट होना चाहिए. अब उनके पास बजट नहीं होता, फंडिंग है तो स्टार्टअप को फंडिंग तो बहुत बाद में जाके आती है ना. अभी बूटस्ट्रैप भी है तो उनके पास बजट कॉन्स्ट्रेंट बिगनिंग में. तो मैं लोगों को स्टार्टअप कहता हूँ कि वो उस वक्त बनाएं अगर वो जो भी काम करने लगे उसको काम उसको खुद आता है. सही. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने टेक कंपनी बनानी है तो मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मैं ये नहीं करूँ कि जी हम तीन लोग मिलकर. ऐसा भी तो हो सकता है वो स्टार्टअप, मतलब थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, लेकिन अगर वो एक टेक को फाउंडर ले आए, उसका आइडिया हो, उसको मार्केट का पता हो, एक टेक को फाउंडर ला के वो काम भी तो कर. चलता नहीं है जो मिलकर ना, चीज़ें चलती नहीं. हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर ना लोग ज़्यादा. स्टार्टअप का एक वाइड फ़ायदा मैं डिसएग्री करूँगी आपसे कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कोलैबोरेशन में चल रहा है. बेशक स्टार्टअप फेल होते हैं, 100 में से 10 स्टार्टअप चलते हैं, लेकिन जो कोलैबोरेशन का काम है ना वो पाकिस्तान में चल चुका है. अच्छा. अगर हम कॉर्पोरेट पे आते हैं तो वहाँ पर क्या पेन पॉइंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के या टैलेंट एक्विजिशन के? आप ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिकली पेन पॉइंट्स क्या हैं, हमारे दुख के पॉइंट्स क्या हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी से लिंक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि जो ये आप मेरी समिट पर आई थी, हमने जो बाहर जो लोग एग्जीबिटर्स बैठे हुए थे, अब उसमें उनके डिफरेंट लेवल्स हैं. ठीक है, जो एम्प्लॉई है ना एट द एंड ऑफ द डे उसको अपनी वेलफेयर चाहिए, उसको अपनी डेवलपमेंट चाहिए, उसको एम्प्लॉय को अपना फ्यूचर चाहिए. सही. लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ें चाहते हैं, आज मेरा कितना सिक्योर है, मेरा कल कितना सिक्योर है, और आज से कल पे ले जाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कितनी एफर्ट्स पुट इन कर रही है. सही. ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज है. अब इस वक्त पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सर्वाइवल मोड में चली गई है. इवन के जो प्रॉफिटेबिलिटी से थी वो भी सर्वाइवल मोड में चली गई. जब ऑर्गेनाइजेशन खुद एक सर्वाइवल मोड में है
तो वो इस प्रोसेस में नहीं आ सकती कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि जो डेवलपमेंट है इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और उसमें से 80% लोग जो हैं जब आपकी डेवलपमेंट होती है दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, बट अल्टीमेटली व्हेन दे रिमेन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे इम्प्रूव, उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को इसमें जो टॉप मैनेजमेंट की साइड से चैलेंजेस हैं वो उनको बजट्स नहीं उनके पास अवेलेबल, हर चीज़ पे कट लगा हुआ है, हर किसी ने एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है ना, इसको स्टॉप किया हुआ है। तो ये 3-4 मेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से इट इज़ कमिंग बैक टू एम्प्लॉयज। तो आप इसका सोल्यूशन देखते हैं कहीं पर? सोल्यूशन देखें, पहली चीज़ ये है कि मैं हर किसी को ये कहता हूँ यू शुड ऑलवेज हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। जबरदस्त, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन भी मल्टीपल बिजनेस में जा रही है ना, तो वो सर्वाइवल मोड तो पाकिस्तान 1960s में से है, यहाँ से सर्वाइवल मोड से बाहर आ गया। वो हम कंट्री की बात नहीं, नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अब ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मल्टीपल बिजनेस टीम्स हैं वो अभी भी प्रॉफिटेबल हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, सिस्टम्स हो गया, फोलियो हो गया, मतलब ये लोग अभी प्रॉफिटेबल हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका मॉडल पे डिपेंड करता है। सही है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है। सही है, अब इसी टेक्नोलॉजी के दौर में भी आपने देखा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉइज ले ऑफ किए हैं, टेक कंपनीज, टेक कंपनीज, ठीक है, उनका बिजनेस मॉडल वो नहीं है। सो दैट डिपेंड्स के व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस मॉडल यू हैव। सो आपको फिर अपना बिजनेस मॉडल रिवाइव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सही है, ठीक है, नए बिजनेस स्ट्रीम्स ऐड करनी पड़ती हैं। सो फॉर दैट हमें चेक करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की जो है पल्स चेक करनी पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं और क्या वो रेवेन्यू स्ट्रीम इसमें सक्सेसफुल है या नहीं है। इसको कहते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन को पूरा आपको एंड टू एंड स्टडी करना पड़ता है। अब जो स्टार्टअप थिंकिंग है ना, स्टार्टअप थिंकिंग में अभी तक लोगों को इस चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हुई कि बिज़नेस में कंसल्टिंग सर्विस का क्या रोल है, क्योंकि स्टार्टअप्स वाले ये समझते हैं कि हम खुद चला सकते हैं सारे काम, ठीक है, वो खुद चला भी लेते हैं, लेकिन जो अगर वो प्रोफेशनल सर्विसेज लेकर जो कह लें कि जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी को वो 10 times कर सकते हैं, वो 5 times पर रहती है, ठीक है, ये उसमें चैलेंज है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कलेबरेशन होती है ना आपकी, जो इनकम का आप लोगों ने लोगों को मैक्सिमम टारगेट क्या दिया है, 1,00,000 रुपया मिनिमम है, वो मैक्सिमम नहीं है जी, नहीं वो मिनिमम है, शुरू में मिनिमम 1,00,000 रुपया दिया, ठीक है। अब उस 1,00,000 रुपये को अचीव करने के बाद फिर एक सेकेंड गोल आता है बंदे, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। तो जब जो ये स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये भी उस प्रोसेस तक होती हैं। अब ये जो आपने कहा कि जी 90% ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाती हैं और 10% सक्सेसफुल रहती हैं, अब जो फेल होती हैं उनकी क्या रीजंस हैं, उसमें पहला रीज़न यही होता है कि मिसमैनेजमेंट होती है। सही, मिसमैनेजमेंट कैसे होती है कि 3 partners इकट्ठे हुए, तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सही, एक्स्ट्रा ट्रस्ट है। अब या तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करें, ठीक है, वो कॉर्पोरेट स्टाइल पे नहीं आते, रिव्यू मीटिंग्स नहीं करते, मंथली मीटिंग्स नहीं होती, ठीक है, कोई उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन नहीं होती, सेल्स स्ट्रेटजी डिफाइन नहीं होती, फाइनेंस स्ट्रेटजी डिफाइन नहीं होती, एचआर स्ट्रेटजी डिसाइड नहीं होती, वो सब बस देर एंड देन चीज़ें रिजॉल्व हो रही होती हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। 2 लोग मोटिवेटेड होते हैं, तीसरा मोटिवेटेड नहीं रहता, काम ख़त्म हो जाता है। ये 4-5 मेरे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको इशू लगता है। सर, तो स्टार्टअप सोलो होना चाहिए या पार्टनरशिप में? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक रहा है वो मैं पार्टनरशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ही बात करूँगा ना। अगर तो ये देखें, पार्टनरशिप में यही वाली बात है ना कि जो सारे पार्टनर्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले डिफाइन करें कि सारे लोग क्या करेंगे, उनसे पहले दिन बैठकर पूछे। मैंने एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन था, पाकिस्तानी, मैंने उससे बात की, वो कहता था कि जी हम पार्टनरशिप, उसने मुझे ऑफर किया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसने कहा जी कि हम 6 महीने का जो एक्सपेंस है वो बिज़नेस अकाउंट में डालेंगे। मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा, उसने कहा जी कितना है तुम्हारे पास? अब क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या होता है कि आपके पास पैसा होता है, इनके पास पैसा नहीं होता। जब तो सारे इवन पर है ना, फिर तो पार्टनरशिप बिजनेस ठीक है, लेकिन अगर ये है कि मेरे पास पैसे हैं, इनके पास एफर्ट है और उनके पास नेटवर्किंग है, ठीक है, तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं चलनी चाहिए। तीनों का बराबर का पैसा लगे, तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड हो, तीनों एफर्ट डालें, फिर पार्टनरशिप चलेगी। 30% एक पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और जो हमारे इन्वेस्टर है वो 70% इन्वेस्ट करें और जो प्रॉफिट है 50-50 है, इस तरीके से चल सकते हैं। इन्वेस्टर लॉस में है, इन्वेस्टर लॉस में है। फिर वही वाली बात है ना, पार्टनरशिप बिजनेस वो है कि सारे इक्वली ही कंट्रीब्यूट करें, इक्वली कंट्रीब्यूट, प्रॉफिट में भी सॉरी लॉस में भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इक्वली हो। अब होता ये है कि जी आइडिया मेरा है, पैसा आपका है, ठीक है, और एफर्ट इसने करनी है। आपने आइडिया दिया, पैसा मैंने डाला, एफर्ट ये कर रही है, ठीक है, अभी कितना अर्से एफर्ट करेंगे? आपका आइडिया नहीं चला, मेरा पैसा तो डूब गया ना। ये वीसी कॉन्सेप्ट की बात करें, वेंचर कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप जब शुरू में होता है ना तो उसमें तीन लोगों का जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो फेल होने की वजह ये होती है कि तीनों के उसमें पैसे नहीं लगे होते, ठीक है। मैंने पैसे डाले हैं तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, आपको सुकून से आएगी, आपके यहाँ गुलाम उस्वा का पैसा लगा हुआ है। ये नहीं कि आप दिल से कह रहे हैं, ये नेचुरल होता है, कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी में हो रही होती हैं, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ ये कहेंगी नहीं यार ये गलत बात है, मुझे एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन आप उस तरह से एफर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी अपने स्टेक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्सेप्ट आजकल यही हो रहा है कि यार दो लोग मिलकर हम काम कर लेते हैं, तुम पैसा डालो, मैं एफर्ट करता हूँ, मैं एफर्ट करती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका। अगर आपका इशू रिटेंशन का पैसों के साथ लिंक है तो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करती हैं, ये शेयर होल्डर बनाती हैं उनको। सेल्स के लोगों को क्या होता है, बिजनेस कमीशन दे रहे होते हैं, क्यों देते हैं, और सेल्स के लोग छोड़कर भी कम जाते हैं निस्बतन, ये ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ छोड़कर जाते हैं। हाँ जी, अब टेक्निकल स्टाफ को भी आप शेयर होल्डर बनाएं, उनको भी कहेंगे जी सेल्स जो वॉल्यूम लेकर आएगा उतना उसका 1% आपको भी मिलेगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलता है प्रॉफिट में शेयरिंग मिलती है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जी, जी तो आप दें उनको, उसके रिजल्ट्स देखें फिर आप। टेक्निकल टीम भी नहीं छोड़कर जाएगी, टेक्निकल टीम इसलिए भी अब छोड़कर जाती है, टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। अब आप MVC 5 में काम कर रहे हैं, आगे कोर आ गई है, ठीक है, आप कोर पर आया तो अपग्रेड करें, आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो अपनी मार्केट एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है। अब वर्डप्रेस में कितनी वेबसाइट्स बनती हैं, लाखों बनती हैं। अब आपको पता है कि वेबसाइट किस में बनने आ रही हैं, फ्लटर में, फ्लटर। तो वर्डप्रेस वाला फ्यूचर में क्या करेगा? अब वर्डप्रेस वाले की सैलरी कितनी है और फ्लटर डेवलपर की कितनी सैलरी है या .NET डेवलपर की कितनी सैलरी है? मेरे पास वर्डप्रेस डेवलपर काम करते हैं वो लाख रुपए महीने का कमाते हैं, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, कितना कमा रहा है? लाख रुपये फुल टाइम जॉब में, हो सकता है शाम को भी कमाते हो, लाख रुपये कमा लेते हैं, लेकिन जो .NET डेवलपर है वो 3 साल के एक्सपीरियंस वाला 3 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो विद इन टेक्नोलॉजी भी वेरिएशन है। अब वो फिर वर्डप्रेस डेवलपर जो है उसको ये देखना है कि उसने सही टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करनी है। अभी यहाँ पर तो हम लोग बात करें ना स्टार्टअप लेवल पे, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू हो जाती है हम लोग फिर वहाँ से देखना शुरू करते हैं, उसके चैलेंजेस इंटायरली चेंज हो जाते हैं, उसके इश्यूज इंटायरली चेंज हो जाते हैं, जो कि शायद अभी मैं आप लोगों को समझा ना पाऊँ क्योंकि आप लोग उस एनवायरनमेंट में नहीं हैं, आप लोग एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बैठे हैं। I think that would be all. Thank you so much, sir, for joining. बड़ा इंसाइटफुल सा व्यू रहा ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज बॉडी के ऊपर। हमने बड़ी सारी चीज़ें टच की, मुख्तलिफ सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत ज़्यादा बड़ा मज़ा आया। कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कितने हसीन चेहरे मिले तुम नहीं मिले, कुछ तो तुम्हारे जैसे मिले तुम नहीं मिले। बारिश फिजा तुम्हारी पसंदीदा चाय भी, मिलने के सब इशारे मिले तुम नहीं मिले। अब की
की तजदीद वफा का नहीं कहाँ जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना, अब की तजदीद वफा का नहीं कहाँ जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, ये भी अंदाज़े मोहब्बत है तुम्हें क्या मानूं, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, ये भी अंदाज़े मोहब्बत है तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, एक तुम हो के समझते नहीं अपना हमको, एक हम हैं के तुम्हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला, तुम तखल्लुस को भी इखलास समझते हो फरार, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, मंजिलें भी उसकी थी रास्ता भी उसका है, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फैसला भी उसका था, आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे क्या खुदा भी उसका था। ओ झलक पड़ते हैं जालम के कुर्बान है मरने वाले, झलक पड़ते हैं जालिम के यूसुफ़, कुर्बान है मरने वाले, जा रहा है वफा का जनाजा, बेवफा से कहो मुँह छुपा ले, वो झलक पड़ते हैं जालिम के आंसू, सोचा तुम नहीं था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा वो जमाना हुआ, सदाएं जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार, तेरे माथे पे बिंदिया तेरी आंखों में काजल, तेरी आंखों में काजल, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेले बलाए तेरे सदके उतार, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा,
छोड़ जा, देखूं तू यूं प्यारे से, देखूं न ख्वाब जागूं, बनके तू आयस रह जाए पास, चूहे न हाथ साथ दे, से बैठे बैठे यादों दिल में दबी कहनी है आज और बनके दुआ तू है बसी होंठों के आस पास आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा अफसों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता क्यों हो तुमसे जुदा के मैं हूँ हीरो चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया सवालों में ख्वाबों की डोर
रात की गहरी नींदों में मैं सो ना पाई, दर्द में यूं खुद को ही क्यों तड़पा यूं तड़पाई। रात की गहरी नींदों में मैं सो ना पाई, दर्द में यूं खुद को ही क्यों तड़पा यूं तड़पाई। मैंने कभी ना सोचा तुझे, बस रोया यूं ही खुद से, यूं दिल को संभलता रहा मैंने, रोया तुझे ढूंढे ढूंढे, रोया था मैं तू ना मिला, गहरी सी इन रातों में सोया ना था मैं, रोया था तेरी याद में वो हीरा। ख्वाहिशें जो थी मेरी बस तुझको पाने की, ख्वाहिशें वही मेरी बस ख्वाहिश ही रह गई। ख्वाहिशें जो थी मेरी बस तुझको पाने की, ख्वाहिशें वही मेरी बस ख्वाहिश ही रह गई। मैंने कभी न छोड़ा तुझे, बस रोया यूं ही खुद से, यूं दिल को संभलता रहा मैंने, रोया तुझे ढूंढे ढूंढे, रोया था मैं, गहरी सी इन रातों में सोया ना था मैं, रोया था तेरी याद में वो हीरा। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, हो अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो करने, मैं भुला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा महकता है बहकता है, आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूँ, मुझे वर ले अपनी बाहों में। यूं ही बर
बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हों ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बात। सो जाता हूँ सरहाने आसमां, जाने कहां मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ओ गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों में मिले। जमाने ने तेरी मेरी कहानियां सुनी नहीं, जमाने ने तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां, ये आरज़ू थी के देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियां। रात अंधेरी में छुप रहे थे प्यारी सवेरा ढूंढ रहे थे, प्यार को अपने ढाब रहे थे, कोई मिला ना सहारा क्या करें। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियां। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी, संदरी संदरी मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, ओ आफरी 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 आफरी
तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं आफरी या फिरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं हो आंखें देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतशा आँखें या महक दे के ये दो बाग हैं आँखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आँखें नीची हुई तो हया बन गई आँखें ऊँची हुई तो दुआ बन गई आँखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई आँखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई आँखें जिनमें है कैद आसमां ज़मीं नरगिसी सुरमई उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं हो आफरी तू भी देखे अगर तो कहे हम नशीं आफरी या फिरी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं संभालो जरा अपना चल गुलाबी दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी सुमकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है उठाते हो नजरें तो गिरती है बिजली अदा जो भी निकली कयामत ही निकली जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया कहीं और जाके अदाएं उछालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक हमारी तरफ से निगाहें हटा लो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों काली काली जुल्फों के फंदे न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों